कीबोर्ड के बाद का जो ये आ रहा है हमारे पास वो है माउस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, सबको क्लियर किया अभी हमने। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी आइटम है उससे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। माउस का जो पॉइंटर होता है वो जो एरो के शेप में हमारे स्क्रीन पे आता है उसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, और इन दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसका इस्तेमाल हम दो डॉक्यूमेंट्स या दो पेजेस वेब पेजेस के बीच में जल्दी से आसानी से डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे माउस का इस्तेमाल तीन कामों के लिए होता है, थ्री मेन पर्पस होते हैं इसके कंप्यूटर के, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना या कोई भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए और उसको मूव करने के लिए। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर द यूज ऑफ माउस, तो आप सिंपल से बता सकते हो कि माउस उसे कहते हैं, माउस का इस्तेमाल, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो भी आइटम है उसे इंटरैक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें दो बटन तो एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और मूव करते हैं। तो हम ओपन कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, वो राइट साइड में ब्लैक जो आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट एक टेबल्स उसमें लिखा हुआ है, टू सेलेक्ट प्रेस लेफ्ट बटन या क्लिक बटन। किसी भी आइटम्स के ऊपर जाकर के हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर खोलना होता है हमें तो किसी भी आइटम्स के ऊपर या किसी भी आइकन के ऊपर जाके हम दो बार अगर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। और तीसरा है मूव। मूव कैसे करते हैं कि किसी भी आइटम या आइकन्स के ऊपर आप क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके आपको ड्रैग करके ले जाना है जिस पोजीशन पे आप छोड़ना चाहते हो या जिस डायरेक्शन पे आप छोड़ना चाहते हो वहां जाकर के माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दो तो डॉक्यूमेंट या वो आइकन वहां से उठ करके दूसरे पोजीशन पे जाके चला जाए। और स्क्रॉल का यूज आपको पता ही है कि टू मूव बिटवीन पेजेस यूज द स्क्रॉल व्हील, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव करने के लिए स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आउटपुट डिवाइस। अभी जो हमने दोनों आपको बताया है ये दोनों इनपुट डिवाइस थे, कीबोर्ड और माउस, इन दोनों से हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और अब जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं मॉनिटर के, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मॉनिटर दो तरीके के आते हैं, एक होता है सीआरटी मॉनिटर और दूसरा होता है टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या फ्लैट पैनल डिस्प्ले एफपीडी। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एफपीडी दो तरीके के मॉनिटर होते हैं, एक एलसीडी और एक एलईडी, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस भी है जो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको अगर आपको इसमें और कोई डाउट्स हो तो आप लेकर आना, ठीक है। विजुअल तो व्हाट इज एमएस पेंट, एमएस पेंट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स प्रोग्राम है। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्राइंग पिक्चर्स वगैरह का काम हम इसमें करते हैं। डेट अलाउ टू यूजर जो हमें अलाउ करता है कि आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, और कंप्यूटर में उसको स्टोर कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोग्राम है हमारे पास ये लिख लिया है, बस हो गया ये लिखना है बस। व्हाट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या है, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और वर्ड को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, वर्ड, एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट, विन वर्ड, इन सब नामों से हम एमएस वर्ड को जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑफिसों में, कोई भी लेटर टाइप करने के लिए, कोई भी रिज्यूम बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए,
इस तरीके के काम बनाने के लिए, काम करने के लिए हम एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एंड जस्टिफेबली इट इज ईजी टू यूज एंड अलाउ यूजर यू टू क्रिएट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक अ लेटर, अप्लीकेशन, रिज्यूम, पोस्टर, लेटर हेड एंड ऑल ऑफिशियल टाइप ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट। इस सारे काम हम एम एस वर्ड में करते हैं। जब आप एक किसी ऑफिस में जाते हो तो आपको या तो ऑफिस में लेटर टाइप करना होगा, या कोई अप्लीकेशन टाइप करना होगा, या रिज्यूम बनाना होगा, पोस्टर बनाना होगा, लेटर हेड टाइप करना पड़ेगा। ये सारे काम करने के लिए आप एम एस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है।